हम लोग डिजिटल मार्केटिंग का पढ़ते आए हैं जितना भी पार्ट। हम लोग ने कई तरह के एडवर्टीजमेंट्स चलाना सीखा है गूगल में, जिसमें मेनली सर्च ऐड था, डिस्प्ले ऐड था, वीडियो ऐड था, शॉपिंग ऐड था। आपने देखा अगर आपको वीडियो ऐड चलाना होता है तो ज़्यादातर हम लोग जो वीडियो है जिसको हमें ऐड में या एडवर्टाइज करना है तो उस वीडियो को हम YouTube पे पहले स्कोर करते हैं, उसके बाद जो है वो वीडियो हमारे पास अवेलेबल होता है। ठीक है, उसी तरह से आप अगर देखें कि अगर हमारा मान लीजिए हमें शॉपिंग ऐड चलाना है, शॉपिंग ऐड चलाने के लिए हमें पहले वेबसाइट बनानी पड़ती है, एक शॉपिंग वेबसाइट जिसमें हम अपने प्रोडक्ट्स को ऐड करते हैं। प्रोडक्ट्स को ऐड करने के बाद प्रोडक्ट के लिंक, प्रोडक्ट की कैटेगरी, प्रोडक्ट के टाइटल, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, इमेज, कंडीशन क्या है प्रोडक्ट की, ये सारी चीज़ें हम गूगल को फीड करते हैं गूगल मर्चेंट सेंटर अकाउंट से। सो बेसिकली जिस तरह शॉपिंग ऐड चलाने के लिए हमें उससे पहले मान लीजिए हमें सबसे पहले गूगल मर्चेंट सेंटर को सेट करना पड़ता है, गूगल मर्चेंट सेंटर से अपनी वेबसाइट को कनेक्ट करना होता है, वेरीफाई करना होता है ये सब। उसी तरह से अगर हमें वीडियो ऐड चलाने हैं तो वीडियो ऐड चलाने से पहले हमें उस वीडियो को होस्ट करना पड़ता है यूट्यूब या कहीं पे, ताकि उस वीडियो का यूआरएल जो है सबको मिले। यूट्यूब पे ही हमें करना रहता है इसको, तो आपको यूट्यूब पे अपना चैनल बना के करना है। यानी कि कुछ टाइप के ऐड चलाने के लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं, है ना। ये ऐड चलाना है मान लीजिए हमें गूगल, अगर हमें शॉपिंग ऐड चलाना है तो मर्चेंट सेंटर है, अगर हमें वीडियो ऐड चलाना है तो। उसी तरह अगर हमें ऐप इंस्टॉल ऐड चलाना है, ठीक है, ऐप इंस्टॉल ऐड या ऐप ऐड कह लें, सो इसके लिए ऐप पब्लिश्ड होनी चाहिए, ठीक है आपकी। और ऐप पब्लिश्ड हो सकती है गूगल प्ले स्टोर में, जिसको हम यूजुअली गूगल ऐप स्टोर भी बोलते हैं, या एप्पल स्टोर में। अगर आपकी ऐप iOS है तो आप उसे एप्पल स्टोर में जो है उसको पहले पब्लिश करेंगे, अगर आपकी ऐप एंड्रॉइड पे है आप उसे गूगल प्ले में करेंगे। तो एंड्रॉइड की ऐप जो है वो सारी जाएंगी गूगल प्ले में, और iOS की ये बहुत कॉमन सी चीज़ है, iOS की सारी ऐप एप्पल स्टोर में आपकी जाएंगी। सो ये हम लोग का बेसिक कंसेप्ट है, और इसी को ही यूज करते हुए हम लोग कुछ ऐप स्टोर और इनके थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। अब देखिए गूगल प्ले स्टोर पे हमें इस समय हम यहीं पे कुछ ऐप सर्च करते हैं, जैसे गूगल प्ले पे हमने सर्च किया मान लीजिए व्हाट्सएप, ठीक है। तो जब आपने व्हाट्सएप सर्च किया तो आपके सामने बहुत सारी ऐप्स आ गई यहाँ पे, ठीक है ठीक है। अब मान लीजिए ऐसा ही कोई क्लाइंट जिसकी इस टाइप की कोई ऐप हो वो हमको ये वर्क देता है कि मुझे मेरी ऐप जो है इंस्टॉल करवानी है ना, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ही क्या है। दो तरह का ऐप आपने बताया कि एंड्रॉइड और iOS। हम लोग अभी एंड्रॉइड में गूगल प्ले में ना, iOS एप्पल का है और एंड्रॉइड आपका गूगल का है, ठीक है। सो यहाँ पे जैसे हमने कोई भी ऐप सर्च की, यहाँ पे पब्लिक क्या सर्च करती है, या तो ऐप का सीधा नाम या सर्विस से उसे सर्च करती है। जैसे मान लिया हमने कहा कि कैब्स, सिर्फ हमने कैब्स को सर्च किया, आप देख रहे हैं सामने ओला, मेरू, उबर, ये सारी चीजें हमारे सामने आने लगी, ठीक है। आप यही प्ले स्टोर जो है, यही सेम प्ले स्टोर मोबाइल पे भी रहता है, ठीक है। तो आप मोबाइल में कभी कभी देखेंगे, अब ये हमारे सामने एक एग्जांपल है,
इसमें आप देख रहे हैं कि जैसे किसी ने होटल सैन फ्रांसिस्को सर्च किया, सो फाइंड ग्रेट डील्स ऑन होटल टुनाइट, और इसके साथ में एक ऐप ऐड आ गया आपका, ठीक है। अब इनके में ओपन लिख के आ रहा है क्योंकि इनके में ऑलरेडी वो है इंस्टॉल्ड है, इसी के में इंस्टॉल लिख के आ रहेगा, ठीक है। दिस ये एक एग्जांपल है ऐप इंस्टॉल का। ऐप इंस्टॉल ऐड जो है ये सर्च नेटवर्क पे भी आते हैं। जब आप गूगल पे कभी कोई चीज सर्च करते हैं तो वहाँ सर्च नेटवर्क पे भी ऐप इंस्टॉल ऐड दिखाई देते हैं, ठीक है। सो ये एक और एग्जांपल है हम लोग का कि ऐप इंस्टॉल एड्स किस तरह से दिखाई देते हैं। हुआ क्या है, इन्होंने अपनी ऐप को गूगल प्ले स्टोर पर पब्लिश किया है और पब्लिश करने के बाद इन्होंने उसको एडवर्टाइज किया है गूगल एडवर्ड्स को। जैसे हम लोग अभी तक पढ़ते आए हैं या अभी तक हम लोग ने प्रैक्टिस किया है कि गूगल एडवर्ड्स जो है उस पे सर्च ऐड होता है, डिस्प्ले ऐड होता है, दिस इज सर्च ऐड, दिस इज डिस्प्ले ऐड, एंड दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ डिस्प्ले ऐड, बट दिस इज मोर ऐप इंस्टॉल ऐड। तो ये है डिस्प्ले ऐड, डिस्प्ले ऐड जैसा दिख रहा है, ये डिस्प्ले नेटवर्क पर ये इस जिस ऐप में एक कॉल टू एक्शन हो, जिस ऐड में एक कॉल टू एक्शन हो और वो कॉल टू एक्शन हो इंस्टॉल कर लीजिएगा आप। जैसे यहाँ पे लिखा है फ्री कि डाउनलोड ऑन गूगल प्ले इंस्टॉल, यहाँ देखिए बटन बने हुए हैं इंस्टॉल। तो इस टाइप के ऐड जो है वो गूगल या उस इस टाइप के ऐड में गूगल ऐड नेटवर्क पे ऐड इंस्टॉल ऐड्स कहलाते हैं। बहुत सारे क्लाइंट हैं वो अब जैसे हम लोग का डिजिटल मार्केटिंग का अपना एक बेसिक सा डेफिनेशन है कि अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन को हमें प्रोवाइड करना है अपने टारगेटेड ऑडियंस को। जब लोग हमारे बारे में सर्च करें, जब लोग हमारे बारे में क्वेरी करें तो वो इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुँचे। सो इसलिए हम लोग ने क्या किया हुआ है कि हम लोग गूगल एडवर्ड्स का यूज करते हैं और ऐप जो बनाए हैं लोगों ने तो उन ऐप को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उनके टारगेट ऑडियंस तक पहुंचा रहे हैं। ऐप में क्या है, बिजनेस की इंफॉर्मेशन है या कोई सर्विस है या कई आजकल तो बहुत सारे बिजनेस ऐप पे ही ठीक है। तो जैसे फूड ऑर्डरिंग है, कैब बुकिंग है, ठीक है, कुछ भी सर्च करना है, प्रॉपर्टी सर्च करिए, दुनिया भर की चीजें सब ऐप हैं। अब हर ऐप जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से बहुत बेसिक मान लीजिए हमने फेसबुक ही सर्च किया है यहाँ पे, तो हर ऐप का एक अपना यूआरएल और एक अपनी आईडी होती है। ये देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हर ऐप की एक अपनी आईडी उसके यूआरएल So, इस आईडी से जब भी ऐप कोई पब्लिश करता है, पब्लिश करते समय जैसे आपने HTML देखा, वैसे XML कॉन्फ़िगरेशन होता है। वहां पे ये आईडी, इस ऐप का डिस्क्रिप्शन, इस ऐप का टाइटल, ये सब चीजें लिखी जाती है। ध्यान से ये उस ऐप की इंफॉर्मेशन को उठाते हैं। तो इसको भी हम लोग आगे कभी डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल हम लोग को ये समझते हैं। इसी तरह से ये iTunes स्टोर है, या जैसे हमने iTunes पे या एप्पल का जो ऐप स्टोर है उस पे हमने सर्च किया गूगल क्रोम, तो ये गूगल क्रोम का अपना जो है वो आ गया। अब आ रहा है मोर बाय दिस डेवलपर, तो इवन YouTube जो एक ऐप है YouTube को जो है ये एप्पल पे, ये एप्पल पे लिंक है। अगर आप इस लिंक पे जाते हैं अपने iTunes स्टोर से तो आप जो है गूगल के ऊपर सॉरी आप अपने iOS फोन के ऊपर या iOS ऐप हो या iPad हो जो भी है आपके पास तो उसके ऊपर आप अपनी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये इन सब के लिंक्स हैं, ठीक है। तो इनको जो है प्रमोट करने के लिए भी
इन लिंक्स का जो है यूज कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि ये ऐप है यूट्यूब वॉच एंड लिसन, और आप देखेंगे इसकी भी एक आईडी है, यूआरएल में ही लिखी है। सो यानी कि हर ऐप की एक अपनी आईडी, जो उसकी यूनिक पहचान है, जिससे आईडी नाम जब जब आप ऐप स्टोर पे पब्लिश करते हैं तो वो अपने आप जनरेट। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग को इतना ये थ्योरी समझ में आती है कि पहले ऐप डेवलप की जाती है, कोई भी डेवलपर जैसे वेबसाइट बनाता है उसी तरह से ऐप बना के उसे पब्लिश करता है, तो हमें जो काम मिलते हैं वो सिर्फ पब्लिश्ड ऐप के मिलते हैं। ऐप ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी है, थोड़े लोग उसे रिव्यू रेटिंग दे चुके हैं, थोड़े लोगों को, या हम लोग पहले उसको ऑर्गेनिक वे में प्रमोट करते हैं, जो है उसके बारे में रिव्यू लिखिए, आप कहीं पे रिव्यू लिखिए, आप सोशल मीडिया पे लोगों को उसके फायदे बताइए, तो सोशल मीडिया पे लोग उसको यूज करेंगे, तो आप उसके वीडियो बनाइए और वीडियो से उसको प्रमोट कर सकते हैं। आप देखते होंगे ऐप के वीडियो आप अच्छा देखते होंगे, कोई ऐप है उसको प्रमोट करने के लिए वीडियो पहले चलता है, पहले 15 सेकंड का एक वीडियो चलता है, जैसे गेम को प्रमोट करना है तो 10-15 सेकंड का एक वीडियो चलेगा, फिर बाद में वैसी स्क्रीन आएगी इस टाइप की, उसको जो है हम आप इंस्टॉल कर दीजिए। इसमें बनता कितना है ये आप देखिए, एंड्रॉइड की जो ऐप है वो अपने उसके एंड्रॉइड के अपने अलग लैंग्वेज है, उसके लिए तो कोई पोस्ट वगैरह होता है इसके लिए, आपको जो है अगर जावा जिसको आती है तो जावा है, उस जावा के थ्रू आप बना सकते हैं। अगर इवन आपको जैसे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, आपको सी शार्प आती है या आपको पीएचपी आती है, इवन आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आप वेबसाइट आपने बनाई है किसी भी लैंग्वेज में, तो एक और ऐप का ये पार्ट आता है वेब व्यू, या हाइब्रिड बोल सकते हैं, आपकी जो मोबाइल आपके जो वेबसाइट का जो मोबाइल व्यू है वही एज अ ऐप बन जाता है। ठीक है, मगर वो उतना अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाता जितना एक मोबाइल वर्जन कह सकते हैं, मोबाइल को बस ऐप में बदल दे। तो कई तरीके हैं ये सब करने के, इसके अंदर कोर्स होते रहते हैं, ऐप बनाने के, ऐप को पब्लिश करना, और ये सब एक बड़ा प्रोसेस है, मतलब ईजी है लेकिन थोड़ा टाइम टेकिंग, और इसके लिए आपको डेटाबेसेस की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, प्रोग्रामिंग स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर बेसिक इंफॉर्मेशन वाली वेबसाइट है, खाली 4-5 कह सकते हैं स्क्रीन्स, जैसे वेबसाइट में हम लोग पेज बोलते हैं, इसमें हम स्क्रीन्स बोलते हैं, वैसी है अगर वेबसाइट, बहुत सारे लोग ऐसे भी सिस्टम देते हैं कि आप अपनी वेबसाइट वहाँ पर URL डालिए और वो उसका वेब व्यू आपको बना के दे दें, अब आप उस एपीके को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, मगर उसको पूरा साइन करना पड़ता है, उसको बिल्ड करना पड़ता है, तभी गूगल अपने प्ले स्टोर में उसको पब्लिश करने देता है। तो इसीलिए मैं इस चीज़ की बात नहीं करूँगी, ऐप पब्लिश करने के प्रोसेस की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है जब ऐप पब्लिश हो चुकी है और हमें उसका प्रमोशन दिया गया है। प्रमोशन करने के लिए हमारे पास 2-3 तरीके हैं, या तो हम उसको ऑर्गेनिक वे में प्रमोट करें, अपने जो भी स्ट्रैटेजी है हम लोग आर्टिकल्स लिखें, रिव्यूज लिखें, उस ऐप को यूज करने के वीडियोस बनाएं, उस ऐप का ट्राई करने के क्या हमें अच्छा लगा, क्या उसमें शॉर्टकमिंग सही लगी, वो सब चीज़ें बताएं, लोगों को कहें कि आप हमारी ऐप को रिव्यू कीजिए। कई बार कई कंपनीज ऐप को ट्राई करने के लिए इंसेंटिव देती हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी भी हैं जहाँ पे वो कहते हैं कि अगर ये आप ऐप इंस्टॉल करेंगे हम आपको 2 रुपये या 4 रुपये उसको इंस्टॉल करने के लिए देंगे कि आप अपना फ़ोन रिचार्ज कर सकें। बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं जो फ़ोन रिचार्ज के लिए आपको पर ऐप इंस्टॉल 2 रुपये 3 रुपये ऐसे देते हैं। ठीक है, सो मतलब ऐप को प्रमोट करने के बहुत सारे अलग तरीके भी हैं, बट हम लोग उनकी डिस्कशन नहीं करते, लोग डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे गूगल एड्स का इस्तेमाल करते हैं।
ऐप को प्रमोट करना है। तो जैसे नॉर्मल केस में जब हम लोग सर्च नेटवर्क पे थे, सर्च नेटवर्क पे हम लोग या शॉपिंग ऐप पे थे, तो हम लोग कॉस्ट पर क्लिक की बात कर रहे थे। जब हम लोग डिस्प्ले या डिस्प्ले नेटवर्क को चला रहे थे, तो वहां एक टर्म आया था CPM, यानी कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशंस। जब हम लोग YouTube का वीडियो चला रहे थे, तो वहां पे एक टर्म आया था CPV। CPV और CPM यहाँ पे भी आया था। YouTube में भी cost per view CPV और cost per 1000 impressions CPM। सर व्यू कैसे काम करता है? ये 5 मिनट का वीडियो किसने ओपन किया, 5 सेकंड में बंद कर दिया, हां तो व्यू हो गया, वो भी हो गया। ठीक है, और शॉपिंग ऐड में CPC ये पता चलता है कि किसने पूरा वीडियो देखा, किसने आपको देखा, ये पता चलता है। हां हमें एक एवरेज पता चलता है कि ऑन एन एवरेज हमारा वीडियो कितनी देर चला। जैसे मान लीजिए किसी ने पूरा देखा, किसी ने 10 सेकंड के लिए, इट्स सेम चैनल है, सेम की नंबर ऑफ पेज व्यूज जो हमारी वेबसाइट होते हैं। कोई एक ही पेज देख के भाग गया, कोई 10-12 पेज देख के किसी ने लगा था, तो एवरेज जो आएगा वो हमें पता होगा। ठीक है, ऐप इंस्टॉल ऐड जो होते हैं, इसमें ऐप इंस्टॉल में क्योंकि इंस्टॉल है, हम इसको CPI बोल सकते हैं। ठीक है, और CPI एक टर्म है जो CPA के अंदर आता है, यानी एक्विजिशन। एक्विजिशन मतलब कोई एक्शन कंप्लीट होना। एक्विजिशन का जैसे क्या होता है, व्यू होना एक एक्विजिशन हो सकता है, आप उसको गोल माने लिए व्यू होगा एक्विजिशन। बट एक्विजिशन बेसिकली क्या होता है, जैसे फॉर्म फिलअप होना, फॉर्म किसी ने फिल कर दिया वो एक्विजिशन हो गया। ठीक है, किसी ने कोई चीज परचेज कर ली, जैसे शॉपिंग ऐड हमने चलाया, अगर किसी ने जाके उसको परचेज कर लिया, जैसे अफिलिएट सिस्टम वर्क करते हैं। अफिलिएट सिस्टम क्या कहते हैं कि चाहे आप क्लिक कितने भी करा लें, व्यू कितने भी करा लें, पैसा हम आपको अफिलिएट का तभी देंगे जब आप कोई परचेज करवाएंगे या साइन अप या सर्वे फॉर्म भरवाएंगे, ऐसी चीजें होती हैं, तो उनको एक्विजिशन बोलते हैं। जब कोई चीज एक्विजिशन हो, जब किसी एक तरह एक्वायर करना या भरना, जैसे फॉर्म का भरना, परचेज करना, एक्शन कंप्लीट हो, तो इंस्टॉल भी एक एक्शन कंप्लीट है। आपने देखा ऐप का ऐड देखा, दैट इज व्यू या इंप्रेशन। ठीक है, आपने उस पर क्लिक किया, दैट इज क्लिक, कि आपने ऐप के ऐड पे क्लिक किया, तो अब वो क्लिक पे क्या होगा, गूगल प्ले पे पहुंच जाएगा और पहले भी इंस्टॉल की थी। तो हमें पर जैसे मान लीजिए 1000 रुपए में 500 इंस्टॉल हुए, हमने 1000 रुपए लगाए और इसमें 500 इंस्टॉलेशन मिले, तो हम कहेंगे कि कॉस्ट पर इंस्टॉलेशन 2 रुपए होंगे। हमें एक ऐप इंस्टॉल करने के 2 रुपए होंगे, और यही क्लाइंट को बजट दिया जाए, ऐसा बजट दिया जाए। अब इसमें गूगल एडवर्ड्स को हम लोग ओपन करते हैं। देखिए, जब हम प्रमोशन करते हैं, आप टीवी में ऐप के ऐड देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, फेसबुक पे देखते हैं, ठीक है, जितने जगह पॉसिबल है सब जगह आप ऐड देखते हैं, इंस्टाग्राम में देखते हैं, कई जगहों पे हम लोग ने ये भी देखा है कि रेलवे स्टेशन्स पे या एयरपोर्ट्स पे जो कैब सर्विसेज हैं, इनके ऐड होर्डिंग में लगे हैं। वहां पे कोई कॉस्ट पर इंस्टॉल तो वो काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि दैट इज पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल मार्केटिंग, बट दे आर काइंड ऑफ रीचिंग दूस पीपल ओनली, जिनको कैब की जरूरत सबसे ज्यादा है, उनकी जेब में पैसा है। कोई एयरपोर्ट से निकला है और अब उसे कैब की जरूरत, वहां पे ऐड वर्ड आप देख रहे हैं। अब एयरपोर्ट पे निकले और हमें कैब कोई सर्विस उसका ऐड देना, अब दिमाग में आ गया चलो इसी को बुक कर, ऐसा कुछ।
सो वो चीजें, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग उसके अपोजिट। डिजिटल मार्केटिंग में हम लोग हर एक्शन टारगेट कर सकते हैं, जो ऐप ऐसी ऐप को सर्च करता है उसी को ये ऐड दिखाई दे, ये एक स्ट्रेटजी है। दूसरी स्ट्रेटजी ये है कि जो वैसे किसी टॉपिक को सर्च करता है या वैसे किसी टॉपिक को पढ़ रहा है इंटरनेट के ऊपर या वीडियो देख रहा है कुछ भी, तो उसी को ऐड दिखाई दे। मान लीजिए मेरा टॉपिक डिजिटल मार्केटिंग और मेरी कोई ऐप है डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, और कोई उसको हम चाहते हैं कि जो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में ही पढ़ रहा हूँ उसी को मेरी ऐप दी है, तो हम वहाँ पे टॉपिक सेलेक्ट कर लेंगे। आपको कई चीजें हैं, कीवर्ड बेस्ड होता है, टॉपिक बेस्ड होता है, प्लेसमेंट बेस्ड होता है, कहाँ दिखाने जा रहा है। डिजिटल मार्केटिंग में पर्टिकुलरली एडवर्ड्स की ये सब सर्विस है कि हम कहाँ प्लेस करना चाहते हैं, कि हम प्लेस करते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं एडवर्ड्स पे। सो जब हम एडवर्ड्स में लॉगिन किया, मान लीजिए हम कह रहे हैं कि कोई हमारे फिजिक्स कोचिंग से रिलेटेड कोई ऐप है, उसको हमें प्रमोट करना है, हमने उसको किया और यहाँ से हम जब हम अकाउंट में आ गए, इसके बाद हमें कैंपेन सेटअप करना है। कैंपेन सेटअप जब आप कर रहे हैं तो इसमें आपको दिख रहा है एक कैंपेन ऑलरेडी सेटअप हो चुका है, एक दो जो आपके में और भी हो सकते हैं। ये एक डमी हमने अकाउंट बना रखा है, कैंपेन पे हम क्लिक करेंगे, न्यू कैंपेन पे क्लिक करेंगे, तो न्यू कैंपेन में अब यहाँ पे देखिए ऐप प्रमोशन गोल दिखाया जा रहा है। आपका गोल क्या है, ऐप को प्रमोट करना। अगर आपका गोल ऐप प्रमोशन है तो आपको केवल एक कैंपेन टाइप दिखेगा, ऐप। अब यहाँ पे आप उसका वर्जन सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपका ऐप एंड्रॉइड वर्जन का है या iOS वर्जन का है, ठीक है। अगर आपका ऐप एंड्रॉइड वर्जन का है तो कह रहे हैं कि आप उसका कह रहे हैं आपके अकाउंट में कोई भी ऐप नहीं है, तो हम ऐसे पब्लिशर का नाम सेलेक्ट करते हैं, हमने गूगल सेलेक्ट सर्च किया है, ठीक है। तो गूगल सर्च करने पे हमारे सामने जो ऑप्शन आने लगे ये सब आने लगे, वीगो वगैरह, नाम फोटो एडिटर, ठीक है। हाँ कुछ भी जैसे हमने सर्च किया, जैसे हमने गूगल क्रोम सेलेक्ट कर लिया, मान लेते हैं कि हम ऐसे ही गूगल क्रोम को प्रमोट करना चाहते हैं, ऐप है जिसको हमें प्रमोट करना है, ठीक है। या हम लोग अभी एक क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, सो उनकी ऐप है कैबियो, कैबियो CABIO, कैबियो कैब्स जी। एक बार इसको सर्च करते हैं पहले, ऐसे सर्च किया, अब इसको हम com.cabiocabs.in इस तरह से इसका हम आईडी ले आए यहाँ पे, और ये कैबियो टैक्सी बुकिंग है, इसको हम com.cabiocabs.in, ये आपकी बार मैंने उसकी आईडी डाल दी com.cabiocabs.in, मतलब मुझे यहाँ पे उसकी आईडी दिखी, ये URL से जो आईडी दिखी तो उससे मेरे पास वो ऐप आ गई है com.cabio, और इसको हमने सेलेक्ट कर लिया और चेक कर लिया वहाँ से कि हाँ ये वही है, और इसको हमने अभी मेरे ऐप इसका हम प्रमोशन करेंगे।
इसको हम कंटिन्यू करते हैं। ये आप स्टेशन लोकल है नंबर क्या टैक्सी हाँ। सो वहां पे क्लिक करने के बाद आप अगले सेटिंग में आते हैं जहाँ पे आपको कैंपेन नेम भर के आ रहा है। ये कह रहा है कि ऐप प्रमोशन ऐप है बात आप पहली ऐप प्रमोशन ऐड चलाने में हम जैसे इसको कुछ ये भी कर देते हैं कि ऐप प्रमोशन केबियो या ऐसा कुछ नाम दे देते ऐप प्रमोशन केबियो जून 19 ऐसा कुछ नाम दे देते। अब यहाँ पे ऐड एसेट्स है तो ये आपके ऐड का एक फॉर्मेट दिखाया जा रहा है कि आपका ऐप ऐड ऐसा आएगा यहाँ पे इंस्टॉल लिख के आएगा जब कोई क्लिक करेगा तो आएगा। इसी के ही और वर्जन भी है डिस्प्ले नेटवर्क पे कैसा दिखेगा जब नेटवर्क डिस्प्ले होगा तो आपका ऐड कुछ ऐसा दिखेगा। अभी वो उसको फॉर्मेट कर रहा है इसमें लिखा है कि YouTube पे भी आप अपना ऐड दिखा सकते हैं तो YouTube पे आपका ऐड ऐसा दिखेगा ठीक है। प्लस आखिरी की प्ले स्टोर पे अगर कोई सर्च करेगा तो ये फ्री इस तरह मिल के आया है। YouTube पे जैसे ये ऐड नीचे बटन आता है इंस्टॉल वाला तो जब ये ऐड डिस्प्ले होता है उसका पैसा कटता है या तो कोई इंस्टॉल बटन पे क्लिक करता है इंस्टॉल तब और जैसे स्ट्रेटजी आप चूज करेंगे वैसा। अब जैसे यहाँ पे हमने ये लिखा आप कह रहे हैं नीड एन आइडिया सी और ऐड ऐप डिस्क्रिप्शन या हम ऐसे भी बना सकते हैं जैसे पहला हमने लिख दिया कैबियो कैबियो कैप्स आउटस्टेशन आउटस्टेशन कैब्स है अफोर्डेबल राइड्स जो आप अपने उसमें भरना चाहते हैं टैक्स इंफॉर्मेशन या चीपेस्ट फेयर्स जो भी है। अब यहाँ पे आप उस पे जैसे अभी तो इन्होंने ऐसे ही एक वीडियो का वो बना दिया है स्क्रीनशॉट ये कह रहे हैं एड योर ओन वीडियो ऑप्शनल ठीक है। अगर आपका कैबियो कैप्स का कोई वीडियो YouTube पे है तो आप उस वीडियो को प्रमोट करने के लिए यूज कर सकते हैं या उसका एग्जांपल ला सकते हैं। हमें उसका एक वीडियो हमने YouTube पे पब्लिश किया था उसका URL मिला उस URL से हमने सीधे उस वीडियो को सर्च कर लिया। तो ये वीडियो अब उनका सेट हो गया है कुछ इस टाइप से। तो अब आपका जो YouTube पे जो ऐड है वो ऐसा दिखेगा डिस्प्ले नेटवर्क है ओके। डिस्प्ले नेटवर्क पे अभी हमने ऐसा ऐड बना दिया है। अगर आपको इस ऐड में कोई चेंजेस करने हैं आप यहाँ से अप टू 20 इमेजेस अपलोड कर सकते हैं। पर जब हमारा ऐड बन के आ गया है लोगो और सब चीज आ गई है लिंक पे तो हम उसको भी जो चल रहा है ये गूगल सर्च है कि आपका गूगल सर्च पे कैसा ऐड दिखेगा ठीक। अब इसी को ही आगे बढ़ते हैं फिर ये वही सेम चीज है लोकेशन आप किस लोकेशन में अब क्योंकि हमारी कैब इंडिया में कोई कहीं से कहीं भी कर सकते हम जो है लोकेशन सेट करते हैं। अगर मान लीजिए हमारी कैब केवल कुछ पर्टिकुलर सिटीज में
जैसे वहां हम तो हम उन सिटीज का नाम लिख देंगे कि जब वहां से ही कोई सर्च कर रहा हो, जैसे लखनऊ है, इनका मुंबई में भी अवेलेबल है, नासिक में अवेलेबल है, नासिक महाराष्ट्र, मतलब इस तरह से आपकी जो ऐप है वो जहाँ जहाँ पे बुकिंग जहाँ से जहाँ तक देती है। अगर जैसे कई है ओला है, मान लीजिए किसी सिटी में नहीं अवेलेबल है और वहाँ के सिटी के नेटवर्क से कोई ओला को बुक करने की कोशिश कर रहा है तो वो तो मिलेगा, इस टाइप की चीजें इसी को आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे ये लिखा है लोकेशन ऑप्शन में कि पीपल इन और हु शो इंटरेस्ट इन योर टारगेट लोकेशन, मतलब वो लोग जो आपके लोकेशन में या तो रहते हैं या उनकी सर्च पेज में या जो वेबसाइट है वो विजिट करते हैं या आप जो भी जाते हैं वो उनमें जो है उन लोकेशन का नाम रहता है। हम यही सेलेक्ट करेंगे हमारे वो विजिटर है जो वहाँ जाता है, तो जो भी लखनऊ नासिक मुंबई इन सब में जाता है कभी ना कभी कोई ऐड दिखाई नहीं है। अगर पीपल इन और रेगुलरली इन योर टारगेट लोकेशन जो सिर्फ और लास्ट जो बाहर है उस लोकेशन से, मतलब उस लोकेशन में इंटरेस्ट दिखा रहा है। हमें हमारे लिए सबसे लगता है कि कैब बिजनेस के लिए ये अच्छा है कि जो है और जो इंटरेस्ट दिखा ये ज्यादातर बिजनेस के लिए अच्छा है। हो सकता है कोई बाहर के लोग भी आपको इंटरेस्ट दिखा रहे हैं उनके सिटी में, उन चीज में वो आते हैं ट्रैवल करते हैं, बहुत सारे लोगों को ये दिखे। अब उसी हिसाब से हम लोग लैंग्वेज भी सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे इंग्लिश तो है ही है, हिंदी तो है ही है। अब अगर हमारे जैसे मुंबई में भी हैं तो मराठी लैंग्वेज को भी अगर यहाँ पे दिखे, तो मराठी क्योंकि अब इनके में नहीं आ रही इस समय, ठीक है इंग्लिश में बंगाली हमें दिख रही है या तमिल वगैरह दिखती, तमिल या बंगाली जो है। बजट आप पर डे कितना रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये क्लाइंट हमें ज्यादातर बताता है। ये हमारा बजट जो हम अलग अलग चैनल पे इतना 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 रुपए लगाएंगे, या कई बार हम क्लाइंट को एक अंदाजे से बताते हैं। जैसे इन्होंने मान लिया हम कहते 330 रुपए, अगर हम पर डे 330 रुपए लगाते हैं तो ये एक आपको 10,000 रुपए हो जाता है। 10,000 रुपए में आपको एक अच्छा खासा वॉल्यूम मिलता है 330 रुपए पर। अब ये कह रहे हैं कि आप किस चीज को फोकस करना चाहते हैं, तो इंस्टॉल वॉल्यूम दो चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, इन ऐप एक्शंस और इंस्टॉल वॉल्यूम। इन ऐप एक्शंस मतलब कि हम चाहते हैं लोग ऐप को इंस्टॉल करने के बाद उसमें कुछ एक्सेस भी बनाओगे, बुकिंग करें या अभी हम लोग का ये है कि इन इंस्टॉल वॉल्यूम ज्यादा से ज्यादा लोग उसको इंस्टॉल करें। जो पुराने बिजनेस हो जाते हैं वो शायद ये साइड पे अपना है जो इन ऐप एक्शन पर भी वो लोगों के होते हैं। यानी आप किन लोगों को टारगेट करना चाहते हैं और यूजर, तो हम लोग जो ऊपर से सेटिंग करते हुए आए उसमें हम लोग को और ऑप्शन अभी दिखाए नहीं जा रहे, ठीक है। इसमें टारगेट कॉस्ट पर इंस्टॉल है, जैसे हम कितने कॉस्ट पर इंस्टॉल मैक्सिमम देना चाहते हैं, जैसे हम 2 रुपए रख देते हैं, इसमें आगे तो ये CPI है, और ये कह रहे हैं कि आपके सिलेक्शन के हिसाब से टारगेट CPA बिड स्ट्रेटजी जो है वो अपनाएगा।
सीपीए जैसा भी जो होता है और होता है एक्विजिशन या कोई कंप्लीट एक्शन है। यहाँ पे इंस्टॉल करना एक एक्शन है, ऐप के अंदर कोई एक्शन नहीं, इंस्टॉल करना है। और फिर वही स्टार्ट एंड एंड डेट है, ये तो कॉमन सी चीज है। और आप सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे, ये केबीओ कैप्स करके इनका ऐड जो है ये हो गया। गूगल इसको जो है अपना ओके। अब ये जो हमारे और कैंपेन्स हैं सारे, हम कंटिन्यू टू कैंपेन कर दिए तो वो सेव हो जाएगा। तो अभी ये स्टेटस इसका एलिजिबल है और इस हिसाब से तो बिड स्ट्रेटजी आपने ₹2 पर क्लिक लगाया। अब हो सकता है सेम सेट ऑफ सेटिंग्स पे कोई और ₹10 पर क्लिक लगाया, उस समय आपका ऐड नहीं दिखे। ये जो होता होगा ये तो सेम बिजनेस के लिए होता होगा। अब ये आपने एक लगाया है अंदाजे से, आपको अब इसमें दिखेगा कि एक्चुअल सीपीआई इतना फर्क है। जब ऐड चलेगा अगर आपके ऐप इंस्टॉल नहीं हो, यानी कि बिड रेट ज्यादा है, लोगों के बिड रेट ज्यादा है। सो ये ऐप प्रमोशन ऐड का अपना एक पार्ट है। आपको अगर कैंपेन में जाके कुछ बदलाव करने हैं या नाम हम चेंज करना है तो आप जो है बाद में जाके उसको वो कर सकते हैं। सर बिंग का भी ऐसे ही होगा फिर एंड में? हाँ पूरा ऐसे ही बिंग और ये होगा 99% सही है, पूरा कंसेप्ट पेजिंग जैसा है। अब बिंग के पास मोस्टली बिंग के पास जो है सर्च एड के लिए जाता है, बिंग के नेटवर्क जो है उस पर सर्च एड। सो जिन लोगों को इसमें कोई डाउट्स है तो कमेंट में अपना डाउट शेयर कर सकते हैं।